अब बात हो रही है बुरे ख्वाब की। अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो सबसे पहले जानना है कि बुरा ख्वाब किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि बुरा ख्वाब आए तो क्या करना चाहिए। पहले मुझे ये बताओ, अगर बुरा ख्वाब आए तो मैं आपको कुरान और हदीस से एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे वो बुरे ख्वाब का कोई असर नहीं होगा, जिससे वो बुरे ख्वाब का कोई असर नहीं। चाहिए आपको जानना है? हाँ, जानना है आपको। हाँ। एक ऐसी चीज जिससे कि वो बुरे ख्वाब में जो भी बुरा था कुछ भी नहीं होगा, वो बुरे ख्वाब में जो भी चीज आपने देखी उसका कुछ असर नहीं होगा। चाहिए आपको? हाँ। जानना है? हाँ। तो सबसे पहले ये जानो कि वो किसके तरफ से है। शैतान की तरफ से। शैतान कौन है? हमारा दुश्मन है। हाँ, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कोई बुरा ख्वाब जब आए तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान के शर से। हम लोग कहते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हाँ, पनाह मांगना चाहिए शैतान से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। फिर हम कहेंगे कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस ख्वाब के शर से। हाँ, इस ख्वाब के शर से, ख्वाब में जो बुराई थी, ख्वाब के अंदर जो शर था, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं उस ख्वाब के शर से। फर्स्ट पॉइंट क्या था? जान लो कि किसी तरफ से है, शैतान की तरफ से। अल्लाह की तरफ से है नहीं। शैतान कौन है? शैतान की तरफ से है जो बुरे ख्वाब है। हाँ, पहली बात ये जान लो। दूसरी चीज क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। और तीसरी बात क्या है कि हम उस ख्वाब के शर से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। इस ख्वाब में जो कुछ था मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ओके, इंशाल्लाह। चौथी चीज ये है कि बाएं तरफ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड बताओ। लेफ्ट साइड पर ब्लो करना है। हाँ, तीन बार ब्लो। हाँ, एक हदीस में ब्लोइंग का आता है, एक हदीस में स्लाइड स्पिटिंग आता है, दोनों तरफ हदीसें हैं। यानी कि तीन बार। हाँ, राइट, तीन बार करना है। करो, बताओ, करके बताओ। ऐसे नहीं होता, पूरी थूकना नहीं। ऐसा फूस होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, स्लाइड करो। हाँ, तीन बार करो। ऐसे नहीं, आवाज नहीं करो। अच्छा, अगर नहीं हो रहा तो हवा कर लो। हो गया। हाँ, तीन बार ब्लो करना है। एक साइड करो, बताओ फिर से एक बार। ओके, ट्राई करो विद स्लाइड स्पिट, ट्राई करो। यस, हवा और स्लाइड स्पिट, बहुत ज्यादा नहीं करके, पूरा स्पिट मत करो। हाँ, ओके, समझ में आ गया ना? ओके, तो तीन बार करना है। और फिर जो करना है, याद रखिए कि आप अगर राइट साइड पे सोए थे तो टर्न होके लेफ्ट साइड पे सोना है, और लेफ्ट साइड पे सोए थे तो टर्न होके राइट साइड पे सोना है। मतलब क्या? करवट होती है ना, करवट, कि राइट साइड पे सो रहे हैं तो अगर राइट साइड पे सो रहे हैं और बुरा ख्वाब आया तो फिर बाद में ये करने के बाद सोएंगे तो लेफ्ट पे सोएंगे, और लेफ्ट से सो रहे थे और बुरा ख्वाब आया तो राइट पे सोएंगे। साइड चेंज करनी, याद रहेगा, साइड चेंज करनी है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें एक बुरा ख्वाब आया, फिर आंख खुली, कुछ किए फिर वापस सोए तो ख्वाब कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि आप उठ गए, उठने के बाद आपने क्या किया, आऊज़ु बिल्लाहि पनाह मांगे, अल्लाह मैं इस ख्वाब के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मैं इस ख्वाब के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। और फिर हम तीन बार करने के बाद फिर क्या करना है, साइड चेंज करके सोना है इंशाल्लाह। अगर लेफ्ट पे सो रहे थे तो राइट पे सोने का, राइट पे सो रहे थे तो लेफ्ट पे सोना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये करोगे फइन्नहा ला तदुर्रु, वो ख्वाब तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो ख्वाब तुम्हें कुछ नुकसान नहीं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा होता है मेरे पीछे कुछ आ रहा है। फिर आंख खुल गई, अब आंख खुल गई, अब आप रियल लाइफ में पसंद करेंगे क्या कि कुछ आपके पीछे रियल आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। फइन्नहा ला तदुर्रु, वो चीज तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यारी सी चीज है जो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। फइन्नहा ला तदुर्रु, वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। तो ख्वाबों के ताल्लुक से कुछ रूल्स हमने देखा। जो लोगों को रूल्स नहीं मालूम है वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो ख्वाब आता है ऐसे ही सो जाते हैं वापस।
और ख्वाब कंटिन्यू। और क्या करते हैं मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बताई, वला यज़कुरुहा लिअहद, वो ख्वाब के बारे में किसी को मत बताओ, वो ख्वाब के बारे में किसी को मत बताओ। क्या होता है कि लोग ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखने के बाद सबको बताने लगते थे, तो ये क्या है, उनकी गलती है या सही बात है? गलती है, गलती है। ख्वाब, बुरे ख्वाब किसे बताना चाहिए? किसी को भी नहीं, इसको भी नहीं। बुरा ख्वाब अगर आया तो आप करो जो करना है, खुद ही कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम इंशाल्लाह। प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपको पसंद है कि नहीं पसंद है? हाँ, तो क्या करना है, आपने सीख लिया, नेक्स्ट डे क्या करना है, जब उठेंगे उसके बाद में क्या करना है? वला यज़कुरुहा लिअहद, वला यज़कुरुहा लिअहद, उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है, नहीं बताएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।